मेरे प्यारे साथियों, अलजेब्रा के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। देखिए, इस चैप्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आज का, 1/a ए स्क्वायर प्लस 1 = 3, ये मान दिया हुआ है। तो ए से जब कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ a आ जाएगा। a का भाग ए स्क्वायर में देंगे तो a आएगा, a का भाग 1 में देंगे तो 1/a आएगा, बराबर ये 3 पहले से है, यानी कि ये आपको प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, a प्लस 1/a बराबर 3 आपको मिल गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, a की पावर 6 + 1/a3, a क्यूब। अब a की पावर 6 / 1/3 तो कितना आ जाएगा, a की पावर 3 आ जाएगा, 1/a क्यूब आ जाएगा, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये आप जानते हैं इसका फार्मूला होता है k क्यूब माइनस 3 के। k क्या होता है, ये मान जो a प्लस 1/a की वैल्यू दी हो उसी को k मानते हैं। तो यहाँ 3 है, 3 * 9 तो यह 27, माइनस 3 * 9 = 18, आपका 18 आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है 4x + 1/x = 5, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये वाली, ठीक। इसमें क्या करेंगे, जो आपको वैल्यू दी हो, ये दिया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 4x² + 1 = 5x, या गया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 4x + 1 = 5x, यानी कि ये वैल्यू आपको 5x के बराबर पुट करनी है। इस जिस वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, ये देखिए 4x² + 1 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह में क्या रख देंगे, 5x, 5x + 10x क्या आ जाएगा, 15x, यानी 15x। और 5x तो है ही है, 5x / 15x, तो 5 * 3 = 15, तो 1/3 आ गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया है x + 1/9x = 4, ये दी गई है वैल्यू, आपको 9x² + 1/9x² ये फाइंड आउट करना है, यानी कि ये देख रहे हैं आप 3x² लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3x² लिखा हुआ है, तो इसको हम 3x के रूप में लिखेंगे। यहाँ को, यहाँ x है ना, केवल यहाँ 3 होना चाहिए, इसका मतलब 3 का आप दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, इस तरफ भी 3 का गुणा और इस तरफ भी 3 का गुणा, तो यहाँ तो 3 * 4 = 12 हो जाएगा, यहाँ 3x + 1/3x आ जाएगा, ये आ गया। अब आप दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, ठीक है, ये 2ab = 12 का² = 144। अब इसको ओपन करेंगे, 9x² + 1/9x² और ये 3x कैंसिल, ये 2 उस तरफ ले जाइए, तो 144 - 2 आ जाएगा 142। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहद इजी है, 2x + 1/3x = 5, ये वैल्यू दी है, इसको एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करिए। 3 * 6x² + 1 = 5 * 15x, ये आपको वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है, यानी 6x² + 1 जहाँ भी मिले तो वहाँ 15x रख दीजिएगा। इसका मान आपको निकालना है पूरे का, ठीक। अब यहाँ पर 5x तो लिख दीजिए वैसे ही, 6x² + 1 ये देखिए मिल गया, इसकी जगह पे क्या रखना है, 15x, तो 15x रखेंगे, 20x पहले से, 15 और 20 कितना हो जाएगा, 35x, तो 5 * 5 = 35, 1/7 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, x + 1/x = 5, यानी 5 क्या है, k, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, x² + 1 = 5x, ठीक है, यानी कि इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, 5x रखना है, x² + 1 = 5x, और 5x पहले से है तो आ जाएगा 10x, तो 5x / 10x, 5 * 2 = 10, 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
1/2, ये आपका आंसर आ गया करेक्ट। ठीक है।